नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वोल्टेज रेगुलेशन जो टॉपिक है, ये गेट के अंदर आपको कम से कम 2 मार्क्स तो कम से कम दिला के ही छोड़ता है, ठीक है। इसको आपको कंसेप्चुअली आपका क्लियर होना चाहिए क्या है गेट के अंदर, कितना इम्पोर्टेंट है ये। इसको आपको पता चल जाएगा, आपके जब गेट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा एक न्यूमेरिकल आता है, पर छोटी सी बात आपको लोगों को समझ में नहीं आती, उस चीज़ को समझाने के लिए मैंने इसको बनाया है। जो अपन गलतियाँ करते हैं वो इसमें आपको बता रखी है मैंने, ठीक है। इसको समझते हैं क्या, इसकी डेरिवेशन में आपको पता चल जाएगा। आप जब इसको डिराइव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लिखते हैं RPU ± XPU, RPU cos θ ± XPU cos sin θ, ठीक है। ये हम क्यों लिखते हैं, इसकी डेरिवेशन करके मैंने इसमें दिखा रखी है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसमें सबसे पहले आपने एक डायग्राम बनाया, ठीक, आपने डायग्राम बना दिया इसमें, ठीक है। अब इस डायग्राम में क्या किया आपने, इस डायग्राम में ये आपके पास में E2 है। अपन जो E2 मतलब क्या हो गया, ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जो आपने टर्म जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो आपका जो होता है, जो आपने सप्लाई दी जो इसको, ठीक है, सप्लाई दी आपने, सप्लाई क्या होगी, जो टर्मिनल वोल्टेज, जो E2 का मतलब है सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के ऊपर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज हुआ, सेकेंडरी साइड जो अपना इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा उसको कहते हैं, ठीक है। और वोल्टेज टू V2 क्या है, अपने पास में सेकेंडरी टर्मिनल का वोल्टेज, ठीक है। अब क्या देखना है हमें कि VR निकलता है जो अपना अपना जो टर्मिनल E2 - V2/E2 अपना ट्रांसफार्मर में होता है ये। तो क्या करना है आपको, VR + IR ये आपको दिख रखा है, ये आपका जब इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो टोटल जो उसके लॉसेस होते हैं, VR + उसके लॉसेस, लॉसेस क्या होंगे, एक रेजिस्टेंस में जो लॉस होगा वो cos θ2 + XE2, ये आपके इसके फेजर डायग्राम से भी दिखा सकता हूँ। ये आपका फेजर डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर लॉसेज हो रखे हैं IRE2 और IC। इसका जब फेजर डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा E2 की वैल्यू क्या आ रही है, V2 + IRE2 cos θ2 + I2 XE2 sin θ2, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब इसके अंदर ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करी E2 V2 के अंदर, तो आपको क्या मिल गया, E2 - V2 को उधर ले गए, E2 - V2 की वैल्यू रखी, ÷E2 करा, तो आपको पर यूनिट में सब सीधी सी बात है वैल्यूज मिल गई। तो यहीं से आपका शुरुआत हो जाती है वोल्टेज रेगुलेशन पर यूनिट वाला, जो हम कंसेप्ट की बात कर रहे थे आपसे, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट में XRE per unit cos θ + XE per unit sin θ, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। अब जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, ये हमेशा ध्यान रखना आप, कभी भी जो RE per unit cos θ + है ना, तो प्लस कब होगा, जब वोल्टेज रेगुलेशन मतलब ज़्यादा, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा का मतलब समझा देता हूँ क्या होता है, कि आपका वोल्टेज रेगुलेशन अगर ज़्यादा है मतलब वो ख़राब है वोल्टेज, मतलब कि अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब कि आपका जो डेविएट नहीं करना चाहिए वोल्टेज, कभी भी डेविएट नहीं करना चाहिए फ्रॉम द नेचुरल पोजीशन। आपने एक जो रेटेड वोल्टेज सप्लाई दे रहे हो उससे कितना डेविएट कर रहा है वही आपका वोल्टेज रेगुलेशन है। अगर ये ज़्यादा डेविएट करेगा तो आपके लिए ख़राब है ना भैया। आपने एक 5% रेटिंग पे आपने अपने एक मतलब 5% अप डाउन चल सकता है, पर अगर आपने ज़्यादा रेटिंग से अप डाउन करेगा तो आपका सीधी सी बात है आपके इक्विपमेंट्स ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर वोल्टेज अपने एक एक स्ट्रेंथ तक ही वोल्टेज सप्लाई रेटेड के ऊपर काम करने के लिए बना होता है वो, ठीक है। तो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना कब होता है, जब लैगिंग होता है लोड, लैगिंग लोड होता है तो मतलब क्या होगा, तो उस टाइम पे प्लस होगा, ये याद रखना हमेशा। और लीडिंग, लीडिंग में क्या करेगा, उसको माइनस करेगा, मतलब अच्छा रहता है, हमेशा ये ध्यान रखना, लैगिंग लोड हमेशा ख़राब रहता है अपने लिए और लीडिंग अच्छा रहता है, अगर सिंपल मैनर में अगर आपको समझना है तो, ठीक है। तो आपने लैगिंग के अंदर आपने प्लस कर दिया और लीडिंग के अंदर माइनस होगा, ये चीज़ याद रखने के लिए बताई मैंने आपको, ठीक है। अब क्या होगा कि ये मैक्सिमम अगर आपको पता लगाना हो कि भैया कि कब अपना मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होगा, कब अपना मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन होगा, ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा तभी, क्योंकि ये ख़राब होता है ये, क्योंकि प्लस में होगा तभी। और मिनिमम कब होगा, जब ये लीडिंग में होगा तभी, या फिर यूनिटी पावर फैक्टर होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ये जो चीज़ है आपको पता है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका डेरिवेशन करना होता है, ठीक है। डेरिवेशन को आपने =0 रखा, ठीक है। तो आपके =0 रखते ही क्या आ गया, वैल्यू आई tan θ2
प्लस आर ई टू एक्स ई टू, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में, ठीक। इसको आपके पास में अगर आपको मिनिमम निकालना है तो इसका आपने क्या किया, डेरिवेशन सॉरी मैक्सिमम के अंदर करते हैं, और मिनिमम के अंदर आपने सीधा सीधा रखा इसको टू इसको जीरो रख दिया, ठीक है, मिनिमम इसका जीरो हो सकता है, तो उसके लिए आपको टेन थीटा टू क्या होगा आपका, इक्वल्स टू आर ई टू बाई एक्स ई टू, ये आप याद रखना, जो आर डिवाइडेड बाई एक्स होगा तब आपका मिनिमम होगा, और एक्स डिवाइडेड बाई आर होगा तो मैक्सिमम होगा, ये चीज़ याद रखने की बात है, आर डिवाइडेड बाई एक्स होगा तो मिनिमम, और एक्स डिवाइडेड बाई आर होगा तो मैक्सिमम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हमने क्या किया, मैक्सिमम कभी भी निकालना होता है तो उस चीज़ का डेरिवेशन करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप डेरिवेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा टू बाई डिवाइडेड बाई एक्स आर ई टू बाई डिवाइडेड आर ई टू हो जाएगा, तो ये चीज़ सोल्व करने से आपको दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट हो गई हैं यहाँ पे, ये आपकी हो गई है ये चीज़ जो सॉरी ये जो आपकी आपके पास में ये इक्वेशन आ गई है, आपका कॉस थीटा टू कितना होना चाहिए इतना, और टेन थीटा टू इतना होना चाहिए, ठीक है। तो आपको थीटा टू निकालना होगा तो टेन इन्वर्स कर सकते हैं एक्स ई टू वाई, मतलब अपने को ये पता लगाना है किस एंगल के ऊपर ये अपना मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन देगा, तो ये चीज़ लोड एंगल अपने को इससे मिल जाएगा, और पावर फैक्टर एंगल मिल जाएगा अपने को कि कितने पावर फैक्टर एंगल के ऊपर ये सबसे मैक्सिमम वोल्टेज, लेकिन कॉस थीटा टू कर देंगे तो पावर फैक्टर वैसा के वैसा ही उसमें है, ठीक है, वैसा वैसा ऊपर देख सकते हैं वैसा के वैसा उसमें है, ठीक है। मैक्सिमम रेगुलेशन क्या होता है, जब लोड पावर फैक्टर इक्वल्स टू लीकेज इम्पिडेंस होता है, ये चीज़।